यहाँ से घसीटत मेरे कुआं ले जा और वहाँ से घसीट के बाजार में मैं भी मेरे शरीर में कोई नहीं कि कितना घाव है कितना मार है। बिलासपुर जिला है वहाँ मेरे हस्बैंड को हाथी मार डाला था। एक लड़की 9 साल की थी एक लड़का मेरा 1.5 साल का था। मौसी सास बोली कि मैं अपने घर की बहू नहीं जाने दूंगी मैं अपने घर में रखूंगी। 5 पंचों के बीच से मेरे को रखवा दिया। 2,15,000 का मेरा क्लेम भी बना और मेरे पास साथ में जाता था मेरे यहाँ मेरे को ले आया कहन चलो वहाँ। अब उसकी महतारी बिल्कुल आगी बमू का हो गई कहन मैं उसको नहीं रहने दूंगी मैं निकाल के पाने दूंगी या करूंगी। मेरे पास को भगा दिए घर से मेरे को ये घर में दरवाजा लगा दिए बाहर मार पीट करने लगे मेरे को। 5 दिन खाना नहीं पानी नहीं कोई कुछ नहीं केवल ऐसे इसी जगह में जैसी बैठी इसी जगह में बैठे रो रही। इधर बैठी थी मेरे ऊपर केमांच डाल दी केमांच डाल डाल के मेरे साथ मारी ये बड़ा पाथर मेरे पेट में दे मार। मैं जा कहाँ सकती हूँ ना तो मैं अपने ससुराल जा सकती हूँ कि मेरे जजान देख लूँ कि अपने बच्चा देख लूँ ना तो अपने मायके जा रही हूँ कि मैं देख लूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है इससे अच्छा आत्महत्या ही कर लो मर जाओ लेकिन ऐसी जिंदगी ना जियो। मंजी और उसका पीए मिलकर के मेरे साथ रेप किए हुए थे लगातार मेरे साथ 2008 से लगातार रेप हो रहा था। जिस समय उस चंगों से मैं निकली मुझे पॉइजन खिला दिया गया था और पॉइजन खिलाने के बाद वो लोग खुद मुझे फेंक दिए थे और फेंकने के बाद जब लोगों ने कहा कि ये लड़की तड़प रही है मर जाएगी तो मेरा इलाज हुआ मैंने चेकअप वगैरह करवाया अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर वाले भी जान गए उन्होंने भी मुझे प्रताड़ित किया मारा पीटा सब कुछ किया। वो लोग जबकि तालाब बना रहे इसको समाप्त ही कर देंगे ये बेइज्जती करवा रही है। मैंने घर भी छोड़ दिया फिर घर छोड़ने के बाद फिर मैंने एक जगह और कमरा लिया तो वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर मेरा बच्चा यहीं पे शंकर स्वास्थ्य केंद्र में हुआ फिर ये ठीक नहीं रहता ना मैं काम करवाती। अभी तक तो मुझे लगता था किसी तरह मैं काम करके इन समस्याओं से लड़ लूंगी लेकिन हर तरह की परेशानियां हो गई हैं इस बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। अपने अपने दिक्कतों को तो आदमी सहेगा एक दो दिन तीन दिन भूखा भी रह लेगा लेकिन इसके दिक्कतों को नहीं देखा जा सकता है। ये कहानी सिर्फ सुषमा और माया की ही नहीं है हमारे समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरह की हिंसा की शिकार हैं। आज भी उन्हें घर की चार दीवारी में रखा जाता है उन्हें मारा पीटा जाता है जानवरों जैसा सलूक किया जाता है और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गैंग है जो न सिर्फ ऐसी महिलाओं की मदद करता है बल्कि उन्हें लड़ने की ताकत भी देता है। गुलाबी गैंग ये गैंग बदमाशों का नहीं बल्कि ये गैंग है उन महिलाओं का जो कभी किसी न किसी प्रकार की हिंसा की शिकार थी। ससुराल में कभी पति की मार खाती तो कभी सास की लेकिन फिर ठान लिया कि बस अब और नहीं। हाथ में उठाया डंडा और निकल पड़ी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अन्याय करने वालों को सजा दिलाने। अपना बुंदेलखंड न्यारो लगे हमें प्राणन से प्यारो अरे बड़े बड़े राज। बुंदेलखंड में एक कस्बा है बदौसा पन्ना की जिसे भारत के नक्शे पर ठीक से देख पाना भी मुश्किल है। अपना बुंदेलखंड न्यारो लगे हमें प्राण। लेकिन इस छोटे से कस्बे के अब खूब चर्चे होने लगे हैं और हो भी क्यों ना आखिर इस छोटे से कस्बे से ही शुरुआत हुई गुलाबी गैंग की। जिसके
की लीडर है संपत देवी पाल। संपत द्वारा महज 5 महिलाओं से शुरू हुआ ये गैंग तकरीबन 2.5 लाख महिलाओं का संगठित समूह बन चुका है। शुरुआत 20 साल की उम्र की थी, तब से की हूँ। हमारे साथ खुद ही शोषण होता था, तो हमने अपनी ताकत बनाई और एक औरत को मारा, तो वहाँ मैं उसको डांटा वाटा कि क्यों मारते हो रोज, ये सब गलत काम है। तो मुझे नेता बेनेता देहाती भाषा में अपने बहुत उल्टा सीधा बोले, तो मेरे अंदर आक्रोश आ गया। तो मैं अपनी 5 सहेलियों को लेके गई अपने खेत, जैसे उसको देखा कि वो भी खेत में था, जैसे निकला एक मुक्का मारा वो गिर गया, और फिर हमने बताया कि आज के बाद अपनी औरत को ना मारना। और तो फिर वो मारे शर्म के बताए भी नहीं गांव में, उस दिन से मारपीट छोड़ दिया और लोगों से कहा कि अब आज के बाद कोई मारे ना, वो फलाने की औरत है, वो इस तरह का एक वो बनाया अपना मिशन। तो हमारे दिमाग में ये लगता था कि महिलाओं के लिए ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे लोग करते हैं। उसके बाद मैं महिलाओं का ये दर्द देख के मैं ऐसी एक नीत अपना ली कि अगर हम सारी महिलाएं एक साथ चलेंगे तो हम एक दूसरे की लड़ाई लड़ सकते हैं मजबूती से। संपत के इस गैंग की पहचान है गुलाबी साड़ी, जिसकी एक अलग कहानी है। मैं जानने के लिए काफी उत्सुक थी कि ये गैंग गुलाबी क्यों है। एक महिला भुला गई थी ट्रेन में, वो छूट गई थी, तो उस महिला जबलपुर पहुंच गई थी, तो उसी दिन से मेरे दिमाग में आया। तो मैं और जयप्रकाश शिवरे जी और हम सब लोग बैठ के एक तय किया कि बाबू जी ऐसा न करें, एक ड्रेस चुना जाए, एक दुकान में साड़ी यहाँ नहीं मिल सकती। कानपुर गए तो वहाँ साड़ी हमें दिमाग में न आया, फिर हमने सोचा कि कौन सी साड़ी ली जाए। अगर हम नीली खरीदते हैं तो BSP का रंग हो जाएगा, पीली खरीदते हैं तो गायत्री वालों का हो जाएगा, महरूम खरीदते हैं मुलायम सिंह का हो जाएगा, हरा खरीदते हैं कांग्रेस का हो जाएगा। तो इसी तरह के तमाम रंग, सफेद तो ब्रह्मा कुमारी वाले मान लेते, तो हमको यही पिंक साड़ी दिखाई पड़ी और ये लगा कि मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इसको ले आई और सारी औरतों को पहनाया और सबको बुलाया कि चलो आज हम तहसील दिवस चलते हैं। तो हम बस गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग का नारा लगाते लगाते लोग देते ये गैंग कहाँ जा रहा है, ये कौन सा भैया गैंग है, बस शुरू हो गया गैंग। गुलाबी गैंग की इस ताकत की वजह से आसपास के गांव और कई बार तो बहुत दूर से भी महिलाएं अपना दर्द सुनाने के लिए संपत और उनके साथियों के पास चली आती हैं। मैं औरत की लड़ाई नहीं लड़ती, मैं एक न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ। जिस औरत के साथ जाती होती है मैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हूँ, उनको ताकत देती हूँ, उनको संगठन में शामिल करती हूँ, उनका मुद्दा मैं हल करती हूँ। हमारे इसकी शादी की थी, हम लोगों को लोग बहुत उत्पीड़ मतलब लोग परेशान किया करते थे कि लम्बरेज से मालूम है क्या होता है, दो मतलब परिवार का भी नहीं रह सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, सब लोगों को ताना सहते थे ऐसे, फिर हमारे ससुराल वाले हमको नहीं बुलाते थे, ना हमारे मायके वाले, मतलब माँ हमारी सपोर्ट करती थी, हमारा पूरा परिवार सपोर्ट नहीं करता था। जब हम गुलाबी गैंग में हो गए, हमारी एक बच्ची हुई, उसके बाद हमारे पूरा मतलब घर भर सपोर्ट हमारे करने लगे। हाथ में डंडा लेकर गुलाबी गैंग की महिलाएं अपने पास आए लोगों को इंसाफ दिलाती हैं। ये जैसे पैर में मारे ऐसे खुद संपत ही अपने गैंग की इन महिलाओं को अपने हाथों से लाठी चलाने की ट्रेनिंग भी देती हैं। ये लाठी से देखिए, एक तो ताकत मिलती है हम लोगों को, बुद्धि भी महिलाएं हैं, इनसे इन्हें ताकत मिलती है। जब ये एक ड्रेस पे जाती है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, तो उनसे हमें राहत मिलती है। कुछ गांव में ऐसे दरुहा लोग भी मिल जाते हैं, वो खिल्ली उड़ाते हैं, तो उनके लिए भी ये डंडा इस्तेमाल करता है। तो ये डंडा से बहुत ताकत है, ये लाठी ये कोई बुरी बात नहीं, हम बंदूक लेके नहीं चलते, जिससे जान का खतरा, इससे कोई जान का खतरा भी नहीं, एक भय है बाकी और इसमें कुछ नहीं, इसलिए हम ये डंडा को लेके चलते हैं। अब ये डंडा हमारा एक ड्रेस कोड हो गया, ये डंडा कोई महिला नहीं छाड़ देती, और ये गुलाबी में रंगा जाता है डंडा, ऐसे नहीं है कि ये डंडा ऐसे हम लेके चल देते, ये डंडा की हम बहुत कद्र करते हैं। संपत पाल और उनका गुलाबी गैंग महिलाओं को गांव में जा जाकर गानों के माध्यम से जागरूक करता है।
और गांव की महिलाएं भी उनका पूरा साथ देती हैं। गुलाबी गैंग की शुरुआत हुई थी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, लेकिन जैसे जैसे इसकी ख्याति दूर दराज तक फैलती गई, लोग अपनी समस्याएं लेकर इनके पास आते गए। अब जो काम पुरुष नहीं कर पाते वो काम ये महिलाएं कर रही हैं। बहुत ज्यादा महिलाओं का अत्याचार होता था, जब से गुलाबी गैंग यहाँ आई हुई है तब से यहाँ बहुत कम हो गया। आयरन लेडी बन चुकी है हमारे दृष्टि से या समाज की दृष्टि से, कि चाहे जैसी भी समस्याएं उनसे लड़ने में कभी पीछे नहीं हटती, उनको एड़ी चोटी का जोर लगा देती हूँ। गुलाबी गैंग जहाँ गरीबों के लिए न्याय की उम्मीद है, वहीं उसने पुलिस की नाक में दम भी कर रखा है। अरे भाई, हमारे देश की वर्दी, हमारे देश की शान है, और इस वर्दी का कम से कम कुछ तो फर्ज निभाना चाहिए। तमाम ऐसे दरोगा हमसे भिड़े हैं कि जिन्हें हमें स्वयं कानून को लेना पड़ा हाथ में। महिलाओं को बदतमीजी से पेश होते हैं, गाली देते हैं, उल्टा सीध बोलते हैं, तो बेचारे गरीब आदमी क्या करें। चोरी भी नहीं किया तो उन्हें कबूलना पड़ता है, प्रशासन की चलती ही नहीं है। लेकिन प्रशासन ने तो बहुत कोशिश किया है, गुलाबी गैंग को, एक डकैतों को गैंग बनाया था, तो हमारी तमाम जांचें आई, तमाम हमारे ऊपर तमाम केस लगाने का उन्होंने कोशिश की, लेकिन पुलिस कुछ पाया नहीं है, कोई प्रशासन दोष पाए नहीं है। तो अब वो करें तो करें क्या, तो हम भी कभी नहीं डरे कि नहीं हम भाई क्यों डरे, हम तो हक, हमें तो नक्सली करार भी दिया गया। गुलाबी गैंग के इस जज्बे को देखकर आज कई अधिकारी भी इस गैंग का सम्मान करते हैं और उनकी पूरी मदद करते हैं। ये एक सूचक है कि महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है, इसको हम सकारात्मक लेते हैं, इसको नकारात्मक नहीं लेते हैं। और महिलाएं जागरूक हो रही हैं, वो एक संगठित हो रही हैं, तो जो उनके प्रति हिंसा करने वाले हैं वो भी उससे सतर्क हो रहे हैं। आज हमारे गैंग के पीछे तमाम अधिकारी भी अपना न्याय मांगने आते हैं, वो बेचारे अलग से आते हैं। एक सीओ साहब की बिटिया को नहीं ले जा रहे थे, वो बेचारे काफी दूर से आए कि अरे बहन जी, हमारा भी, हम पुलिस वाले हैं, हम अपना न्याय नहीं कर पाते, तो उनका न्याय मुझे देना पड़ा। मैंने कई अधिकारियों को मैं न्याय दिलवाती हूँ ये महिला संगठन के द्वारा। राजनेता नहीं है, ना ही वो प्रशासन को किसी तरीके की चुनौती दे रही है। उनका मकसद है गरीबों को न्याय दिलाना और समाज में उनकी स्थिति को बेहतर करना। आज संपत अपने गैंग के साथ निकल पड़ी है तहसील कार्यालय बीपीएल कार्ड के लिए ज्ञापन सौंपने। बीपीएल बनाना है, जिसमें कई धांधलियां हुई हैं। ये अधिकारी कभी नहीं शर्माते कि सब एक पब्लिक जांच कराना शुरू कर दे। ये गुलाबी गैंग की महिलाएं अपनी जैसे आ जाएं तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। इतना लोगों को आंखें में पट्टी बांधे, अरे इनका हम कार्यालय घेरेंगे, इनका जीना हराम कर देंगे। हम इतने कमजोर नहीं है, सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है, और हम अन्ना हजारे भी नहीं है कि रोड जाम करेंगे। हमें रोड नहीं जाम करेगा, हमें भूखा नहीं मरना, हम खाए पिए के इनको सबक सिखाएंगे। अरे काहे का भूखा मरे, मरे ई जो हमारा हराम का धन खाते हैं, हम काहे को मरे। हम तो मजदूरी करके खा सकते हैं, लेकिन ये भिखारी हमारा एक तरह से वो निवाला छीन रहे हैं। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, गुलाबी गैंग उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहा है और रोजगार मुहैया करा रहा है। तो मनरेगा पर जो है वहाँ बहुत अधिक से अधिक हम काम दे रहे हैं, और सब महिला पुरुष को 125 रुपए यानी मजदूरी भी मिलने लगी है। पहले 100 मिलती थी, लेकिन अब काफी मिल रही है। सड़क बन रही है, नरेगा से मिट्टी डलवाई जा रही है सड़क निकालने के लिए, लोगों के ऐसे सीधे निकालने के लिए। और ये यहाँ के लोग हैं सब दलित है और सब गरीब है, इनकी खेती नहीं है। और यहाँ हमारा कहना है कि 50% महिलाएं काम करती हैं। जैसे गांव में प्रधान है वो काम ही नहीं दे रहे, तो गुलाबी गैंग जाके पहले वहाँ जांच करता है, वो देखता है कि भाई यहाँ काम क्यों नहीं होगा। जितना अनुदान में पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, शायद ये नरेगा में लगा दे तो ये मजदूरी
हम तो कह रहे 300 रुपया इनको मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर 300 रुपया में तो ये बीपीएल या दुनियादारी सब खत्म कर दूंगे, इससे ज्यादा फायदा लोगों को होगा। वो लोगों को भिखारी बना रही है सरकार। जो सामने सबसे पहले समस्याएं आई उन्हीं के साथ हमको दो चार होना पड़ा, उन्हीं के साथ जूझना पड़ा। तो ये लगता है कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए शुरू किया काम, लेकिन ऐसा नहीं, हमने समग्र जो अव्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की है। जहां गरीबों का हक है वहां तो बड़े लोग ले लेते हैं अपने आप को, वो फिर वहां भिखारी बन जाते हैं। और जब गरीबों का कोई एकता की बात आती है तो कहते ये दलित है, ये फलाने हैं ढिकाने, इस तरह के जातिवाद में बांट बांट के ये बुंदेलखंड को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है। संगीता जी ये वही घर है। अच्छा। जिनके घर में पानी पी थी और मुझको परवान ने छोड़ा था, ये हमारा खान पीन छोड़ दिया, कुआं हुक्का पानी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैंने नहीं हिम्मत हारी। मैंने कहा हुक्का पानी का चीज, अरे वो नहीं पिएगी क्या, संसार हमारा पानी नहीं पिएगा, भाड़ में जाए पानी हम तो पी सकते हैं अपना पानी, हमें इसे क्या परी, हमने ये अपनी ताकत अंदर बनाए रहे। बुंदेलखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ जातिवाद जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ दलितों को इस तरह से देखा जाता है मानो वो कितने बड़े पापी हो। हम तो इनके घर में खाना खा रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पानी तक छूना पसंद नहीं करते हैं। अगर ये रही सोए, इनकी गरीबी न हो तो इनको कोई नहीं कहेगा कि ये दलित है, ये इनसे छुआ नहीं जाता। तो बस इनकी गरीबी है इनके ये छुआछूत का कारण। सरकार गरीबी हटा नहीं रही, बस वही हाल है कि ये गरीब है, इनके घर में ना खाना खाना। तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आज गुलाबी गैंग ने समाज में एक ऐसा मुकाम पा लिया है जिसे लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब सराहते हैं। वो पूछते हैं कि गुलाबी गैंग इंडिया में है, क्यों बना, और इंडिया की महिलाओं का बहुत शोषण होता है। तो मैंने भी वहाँ भी बता दे दी कि इंडिया में नहीं, महिलाओं का सारा शोषण पूरे विश्व में होता है, और उसी महिला का शोषण होगा जो वो बिल्कुल अपने अधिकार को जानती नहीं। जब हमारा गुलाबी गैंग बहुत विस्तार से चला, हम फ्रांस बुलाई गई, हमारी किताब बनाई वहाँ छपी मौई संपत पाल के नाम से, तो मुझे वहाँ के लोगों ने मेरी बुक का डोनेशन दिया और उस डोनेशन से मैं अपना यह विद्यालय चलवाई। सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है, अगर शिक्षित होती महिलाएं तो कम से कम अपने हक को जरूर पहचानती, अगर वो शिक्षित नहीं है तो आत्मनिर्भर भी नहीं बन रही, उनके अंदर से झिझके नहीं खत्म हो रही। मैं चाह रही हूँ कि हर बच्चा स्वावलंबी बने, हर लड़की स्वावलंबी बने, शिक्षा कभी खत्म नहीं होती और पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। अपना बुंदेलखंड न्यारो, लगे हमें प्राणन से प्यारो। एक छोटे से कच्चे घर से शुरू हुआ ये गैंग आज एक मुहिम बन चुका है, एक ऐसी मुहिम जिसके तहत इन महिलाओं ने मिलकर बीड़ा उठाया है अपना समाज में अपनी एक जगह बनाने का। लगे हमें प्राणन से प्यारो अपना बुंदेल। कोई कर्मचारी अच्छा काम नहीं करते, इसलिए कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं ऊपर से नीचे तक, ये चोर चोर मौसेरे भाई ये देश को बंदर बांट कर रहे हैं, ये देश को बेचने की कगार पे हैं, लेकिन जनता नहीं है, जनता धीरे धीरे जागेगी। हम अपना जो मिशन को कमजोर नहीं करेंगे, दिन पर दिन बढ़ाएंगे, और हम सरकार के गुलाम बन के नहीं बल्कि हम अपनी जनता को ताकत देंगे जिसकी वोट से सरकार बनती है। उड़ाती गुलाबी हवा के मारे, ये जैसे पैर में मारे ऐसे ये अरे। ये समस्याएं बुंदेलखंड की ही नहीं बल्कि भारत के हर एक कोने की है। इन महिलाओं ने हाथ में डंडा उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़ने का रास्ता अपना लिया है। अगर यही एक रास्ता है तो क्या हर एक महिला को यही अपनाना चाहिए? यह आपके और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा सवाल है।